हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित कुमार। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। क्या बात और? मानो और थोर पीछे खेल रहे हैं। मानो डस्टिंग कर रही थी कमरे की, तो थोर उसको करने नहीं दे रहे। देखो खेल रहा है कैरमर के साथ खेल। लाइक कर दो अभी के अभी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं दिखाता हूँ इन करके, देख रहा कपड़ा मांग रहा है इससे। नहीं दौड़, नहीं चतर मत उतार। क्या चाहिए थोड़ी, क्या चाहिए कपड़ा चाहिए तेरे को ये? मानो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। देखो आप पैर रखे तो पड़ जाता है। मैं बस अभी ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ जो कल की वीडियो आपने देखी थी। आज मैं सुबह सुबह व्लॉग करना शुरू कर दिया है, बस अभी अपलोड करूंगा। क्या चाहिए? ले 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 फोड़ दे टोचन बरगी यारी। ओहो, आपके दिमाग में 24 घंटे ये चलता है ना। क्या बन रहा है मम्मी? मजा आ जाएगा। और ये चावल जो मैं फिश लाया था ना, वो आदित्य मेरा भाई है, उसके दोस्त को पसंद आ गई तो वो ले गया। पर ना मैंने एक पेयर फिर भी रख लिया कि इसमें सेट हो जाए सारा सिस्टम। तो एक पेयर है अभी, उनका नाम क्या रखे आप बताना। दोनों ब्लैक है, एक फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है। और मेरे को यूं लग रहा है इनके बच्चे भी होने वाले हैं 15-20 दिनों में। तो इनका नाम बताना क्या रखेंगे, ठीक है? मैं अभी दिखाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मछला मछली रख दे। चलो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नाम रखे। अभी दिखाता हूँ कौन कौन सी मछलियाँ। मकोड़ा मकोड़ी, कीड़ा कीड़ी, बताना बताना। चलो नीचे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। आंटी जी, अपनी मछलियों का क्या नाम रखे अंकल बताओ। मैंने सोचा मछला मछली। मानो कहती मकोड़ा मकोड़ी। डोरी। डोरी नाम रखना था। तो इसका नाम था, बहुत अच्छी मूवी है डोरी। और एक था, एक और था नीमो। नीमो नीमो ये देखो, ये रही। देखो एक तो ये रही, पत्तों में सो रही है और एक नीचे है। देखो भागी 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 है। और बोरा नीचे, बोरा नीचे, देखो बोरा देख पा रहे हो, नीचे बैठा है। जो बाकी थी वो सारे इसके आदित्य के दोस्त के पास है। हाँ, वो मेरा अच्छे तरीके से रख लेगा ना वो। आदित्य उसको पता है कैसे रखते हैं। आप नहीं लेके आएंगे और अच्छी अच्छी देखो, वो बैठे नीचे। एक तो यहाँ पे है, इन्हें सुबह सुबह खाना देते हैं। नीमो जो मेल है वो नीमो, जो फीमेल है वो डोरी। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना भाई, बढ़िया बढ़िया नाम बताओ। और अभी तो रेड कलर की जो थी ना, वो लेके आएंगे रेड कलर में भी। मोली लेके आएंगे, मोली का ही घर बना, गोल्ड कलर में भी, मतलब अलग अलग कलर में। कमेंट सेक्शन में बताना, वो सारी ले आएंगे। अरे देखो छोटा सा हमारा गार्डन, आप कलर बताओ, हमारे पास अवेलेबल है। ये देखो मम्मी नई प्रेस के लिए टेबल लेके आई है, मस्त है ना। यहाँ प्रेस रखी जाती है, सही है, और गिरती भी नहीं बिल्कुल भी, ऐसे रखी जाती है। और ये स्विच लगा लो फिर ऐसे। मैंने तो फिल्मों में ही देखा था, पर मम्मी ले आई। चलो मम्मी को कहता हूँ, मम्मी ट्यूटोरियल दो इसका, कैसे यूज करते है इसे। वैसे ऐसे कर लो है, और ये बढ़िया, मतलब गिरती नहीं है, मजबूत है। और यहाँ पे ये रबड़ है, इसे होल्ड हो जाते हैं ना, सही है। मेरे को भी यूं ही लग रहा था, चलो ये तो हो जाएगी, पर ये रखने की जगह होनी चाहिए थी, इसमें है। इसको फोल्ड करके खड़ी कर, ये फोल्ड करके थोड़ी सी जगह लेता है। ये इतने कपड़े होंगे मेरे प्रेस वाले, प्रेस वाला पहले तो आया ही नहीं। अब मम्मी खुद, मम्मी कहती है कि मैं खुद कर दूंगी। मैंने इस पे 300 रुपए इसलिए खर्च किया क्योंकि इस पे हल किया मैं मार्बल स्टूडियो एवेंजर्स फैन बहुत बड़ी वाली। तो ये देखो बढ़िया,
जा रही हूँ मैं अकेडमी। बाय अंकल जी। छूट गया बेटा। आ चुकी हूँ बाहर। कितना गंदा व्लॉग कर रही हूँ मैं। आप लोगों को ना एक गाना सुनाता हूँ। गाना तो पूरा सुना नहीं सकता, दो तीन मिनट की लाइन सुनाता हूँ। मतलब बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग ही देखना आप लोग। देखा बस रड़ो मेरे हुस्न दे दुश्मन लाल ओए तमन्ना जान में ते जान में रड़ा रे सारे ते चोको तुम मेरे नहाके तो इतना मजा आता है ना, इतना फ्रेश फील होता है। अब मैं और पापा थोर को लेके जा रहे हैं, इसका ब्लड टेस्ट होएगा तो कराए आते हैं। सैंपल खून सैंपल निकलवा रही है थोरी का, ये रहा। अब इसको लैब में लेके जाएंगे और फिर टेस्ट कराते हैं। ये पीछे बैठा है महाराजा। और थोरा हॉस्पिटल है वहाँ पे, वो वाला हॉस्पिटल तो उधर लैब है, तो वहाँ पापा चले गए हैं। थोरी मेरे पीछे साथ बैठे है, मेरा बेटा थोरू ये हमेशा बाहर देखता रहता गाड़ी में, तो बस अभी वेट करते हैं। एक्चुअली थोर का मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 12 से 15 डेज पहले थोर को क्या हुआ था कि इसको फीवर सा आया था। हमने पापा ने थोड़ा नोटिस करा, क्योंकि मैं तो अभी आया था 6 दिन हो गए मेरे को, मतलब मेरे को आए यहाँ पे घर पे आए 7 से 8 दिन हुए हैं, 10 दिन हो गए होंगे मैक्सिमम। बट मेरे आने से पहले ही 5 या 4 दिन पहले ही थोर को फीवर हो गया था, तो पापा ने चेक करा दिया था डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर को, और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि शायद ठीक हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो इसका एक बार ब्लड टेस्ट करा लेंगे, सारी बात आगे आ जाएगी। जो इंजेक्शन लगाए उससे अगले दिन थोड़ा ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, तो वो सही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पापा और मेरे को लेने चले गए घर पे, मतलब वहाँ पे चंडीगढ़। पापा मानू यहीं रही, पापा और मम्मी मेरे को लेने चले गए। एक दिन वहाँ रुकना पड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सिर्फ मानू के पास था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब हम आए तब ये थोड़ा सुस्त सा था, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव नहीं था, अनएक्टिव था, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो भाई थोर फिर हमने देखा, फिर खाना वगैरह खिलाया तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दो दिन बाद वापस इसको बुखार सा हुआ। मुझे फील हो रहा था, मम्मी को फील हो रहा था कि इसको बुखार है, तो हमने वापस चेक कराया डॉक्टर को। जब चेक कराया जब इसको बुखार नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही चलता रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। बट हमने HEO में दिखाया तो उन्होंने चेक करा, तो जब बुखार था इसको तो उन्होंने भाई इसको इंजेक्शन, हाँ इस बीच में क्या हुआ इसके लेग में वो चोट लग गई। आप लोगों को तो पता ही है कैसे ये स्लिप हो गया था फर्श पे और इसको चोट लगी। तो हमने सोचा और डॉक्टरों ने भी सोचा कि भाई इसको चोट लगी है लेग में, तो इस चक्कर में कहीं फिजिकल पेन की वजह से बॉडी टेम्परेचर हाई तो नहीं हो गया। यही डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब कि फिजिकल पेन की वजह से कई बार स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी, इसलिए इसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया। तो हम यही सोच रहे थे और डॉक्टर भी कि भाई इसका इसलिए हुआ है। फिर उसके बाद भाई वो भी इंजेक्शन लगवा दिए, मतलब इसकी बॉडी पेन के लिए, मसल रिकवरी के लिए वो हो गया, टांग बिल्कुल सही हो गई इसकी। उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर इसके बुखार आने लगा और इस बीच में ये सुस्त होता गया, अनएक्टिव होता गया और ऊपर से भाई ये कमज़ोर लगने लग गया। तो भाई फिर हमने सोचा भाई तो दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि दिखा नहीं रहा था ऐसा कुछ भी, पर आगे में तो मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया और कमज़ोर होने लग रहा है इन्हीं दिनों के बीच में। तो भाई फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, भाई ऐसे ऐसे बात है देखो, उन्होंने ब्लड टेस्ट बता दिया। फिर भाई ब्लड टेस्ट कराया तो वही बात निकली कि दिक्कत थी इसको। और बात कैसे पता चली भाई, इसको टिक्स फीवर हुआ था, टिक्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में। और वो पापा ने बताया था कि भाई जब शुरू में इंजेक्शन लगवाए थे ना तब इसको 2-3 टिक्स मिले थे और उन्होंने पापा उन्हें हटाए थे वो, तो उसके बाद से ही वो टिक फीवर शुरू हो गया था इसको, वो बाद में पता चला। तो फिर देखो उसके बाद हमने जो ब्लड टेस्ट कराया था अभी 6 दिनों पहले जो ब्लड टेस्ट कराया था उसमें थोर के प्लेटलेट्स कम थे, ये देखो 43 दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल भाई ये कितने होते हैं, रेफरल रेंज इसमें लिखी हुई है भाई 1,50,000 से 450 तक यहाँ इस वाले में लिखी हुई है। तो और सब चीज़ इसकी नॉर्मल थी, ब्लड वगैरह भी ठीक था, सब चीज़ ठीक थी इसकी, WBC भी सही था, सब सही था। बस इसके बट क्या हुआ था कि इन्फेक्शन की वजह से इसकी जो प्लेटलेट थी वो गिर गई थी, 43 पे पहुँच गई थी, ये देखो 43 पे पहुँच गई थी। तो फिर उसके बाद अब फिर इसके इंजेक्शन चले, दवाइयाँ चली, 6 दिनों की गोली चली, तो अब इसकी भाई सब सही है। अब ये देखो प्लेटलेट्स इसकी
293,000 पर पहुंच गया। और सब चीजें तो इसकी सही थी, इसमें प्लेटलेट्स गिर गई थी और इसमें अब बढ़ गई है, तो अब बिल्कुल सही है ये। ये चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर नहीं करा क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोगों को हक है क्योंकि आप हमारी डिजिटल फैमिली हो, बट मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता था। मुझे पता था ये चीज ठीक हो जाएगी, तो इनके चीजों पे नाम पे व्यू गेन करना ना तो मुझे आता भाई ना मुझे एथिकल लगी ये बात, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया या फिर ऐसे नहीं लिखा भाई थोर बीमार हो गया हॉस्पिटल जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, हल्का फुल्का। जब भी पिछली वीडियो भी डाली तब भी मैंने यूँ कहा था कि भाई इसका नॉर्मल चेकअप हो रहा है, ताकि भाई आप लोग जैसे है, जैसे हमें दुख होता है, हमें एकदम से टेंशन हो जाती है, आप लोगों का भी पेट है, जब वो आप लोगों का भी पेट है ही, डिजिटल पेट तो है, तो फिर आप लोगों को ना टेंशन हो जाए। इसलिए मुझे पता था ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद एक बार आप लोगों को सबको बता दूंगा। मम्मी जी लोग कह रहे हैं कि भाई ना तो आप व्लॉग में आना चाह रहे और आप उदास हो, क्या सीन है भाई तीन व्लॉग से? मैं अभी भावुक हो जाऊंगी। भावुक नहीं होना मम्मी, एक बात है भावुक हो जाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं। मेरी बेटी बीमार हो गई थी भाई, थोड़ी की प्लेटलेट घट गई थी, 43,000 हो गई थी। हाँ। और इसलिए मेरे को बहुत टेंशन थी कि जांच चाहिए 3,00,000 और 43,000 थी, चाहिए तो मिनिमम 1,00,000 होती है, 1 से 1.5 लाख। तो लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि जी 3,00,000 होनी चाहिए। हाँ। इसकी 43 थी। हाँ, 43। तो आज इसकी फाइनल दोबारा जो हमने करवाई रिपोर्ट आ गई है, आज इसकी 2,93,000 प्लेटलेट है। हाँ। और अब मैं खुश हूँ, मेरा यही कारण था। अगर आप लोगों ने गौर कराया हो तो ये हफ्ता पहले बहुत कमजोर भी दिखता होगा आपको वीडियो में, क्योंकि हमने बताया नहीं था, क्योंकि आप लोगों का भी दिल दुखता है इसी। हाँ। से क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हो, जैसे हमारा थोर है वैसे आप लोगों का भी है ये थोर, तो इसलिए हमने इसकी हम आपको आप लोगों को हम इसकी खुशियां दिखाते हैं। हाँ, जिससे आप लोग खुश हो। हाँ, और मैंने ये भी बोला था कि छोटी मोटी जो दिक्कतें होती है तो सबको हंसता फूलता चेहरा है प्यारी सी मम्मी मेरी। और पीछे आपने जब तक मम्मी की बात सुन रहे थे पीछे एक आइटम देख रहे थे आप, ये चश्मा पहने बैठा इस फोटो को, वो ये क्या कर रहे हैं? कहते रहे पापा ने ड्रॉर साफ कर दिए हैं। मम्मी मछला मछली नाम सही है? नहीं मकोड़ा मकोड़ी कीड़ा कीड़ी, तू बता रहे कौन क्या नाम सही है? कीड़ा कीड़ी कैसा नाम? पोला पोली तो नहीं, उन्होंने दिया भी तो था बच्चों ने। बढ़िया सा नाम बताना कोई भाई मछली हो अपने। रामफल मांगे राम और रामफल लीलो चमन, तो भाई हमारे पे लव वर्ड्स थी दो, उनका नाम था लीलो चमन। वो भी है वीडियो, वीडियो मेरे पास भी बहुत सारी है, कहोगे तो मैं डाल दूंगा वीडियो। आज का सुविचार मानो दीदी? आज का सुविचार है कि मजा मत का सुविचार देना देता कर पापा, वो टिक्स की दवाई वाला बताना। हाँ, वो आज जैसे इसकी फाइनल रिपोर्ट टेस्ट करवाया ना, मैं खून टेस्ट करवाया। हाँ। तो इसका सारी रिपोर्ट सही आ गई है, रचित ने बता दिया और डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई इसकी एक टेबलेट आएगी, वो टेबलेट है 2,000 रुपये की, मतलब प्रिंट है 2,000 1,800 रुपये की, वो हमें देगा और एक साल तक का उसकी मतलब गारंटी है कि एक साल तक टिक्स नहीं लगेंगे इसको, टिक्स नहीं लगेंगे इसको। अब ये अभी ये जो सीजन है, सीजन है तो टिक्स फीवर का सीजन है ये। हाँ, मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक जब बारिश से ख़त्म हो जाएगी। हाँ। तो ये पूरा एक साल के लिए इसको कवर करेगा और ये बिल्कुल हेल्दी भी रहेगा, सही भी रहेगा। तो हमने सोचा कि चलो इसको एक वो टेबलेट ले आके इसको खिला देते हैं। और वो टेबलेट भी मेड इन ऑस्ट्रिया है, तो मतलब वहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है मेडिसन्स के ऊपर जो पेट्स के रिलेटेड होती है, तो अच्छी है। देखते ट्राई करके बताते हैं अगर अच्छी होगी तो। बाकी थोर काकड़ी खा रहा है, देख लो भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहते हैं। विक्की भैया वही है जो जिन जो ये पौधे लेके मारे यही कहता भाई मेरा जिसका हाथ लग गया होता है उसको पकड़ता है क्यों भाई, मुझे भी ले मुझे भी ले आज गोदी ले। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना, और सारी चीजें जो पूछी थी भाई बताते रहना कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट लिखते हो ना अच्छे अच्छे, बहुत मजा आता है, सारी फैमिली पढ़ती है भाई, अच्छा लगता है कि आप क्या लिख रहे हो, मतलब कितना अच्छा अच्छा लिख रहे हो। और जो भाई थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं तो थोड़ा वो भी थोड़ा ध्यान दे के लिखा करो भाई, फैमिली चैनल है आपकी भी फैमिली बैठी है बस नॉर्मली।
और बाकी और जो मेरी फैमिली है, जो डिजिटल फैमिली है, वो अपने आप ही बता देती है उन्हें कमेंट सेक्शन में, ये भी अच्छी बात है। चलो भाई इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय कर दो भाई सारे। बाय 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 थारू। बाय कर दो। बाय 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 मानू। अरे एक मटकी का भी चेहरा अलग से दिख रहा है, देख। अब देख इसकी बॉडी। ओके बाय बाय बाय।